दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाया हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, तो मैं आप लोग के लिए एक टीचर लेके आया हूँ, टेलीग्राम चैनल लेके आया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको सिखाते हैं कि हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे ली जाती है, हीरो ज़ीरो ट्रेड्स के बारे में सिखाते हैं। दिन में आप 3-4 हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे आपको ये सिखा के देंगे। हीरो ज़ीरो ट्रेड्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये लगाएं, उनका 1000 या 10000 हो जाए या तो ज़ीरो हो जाए, दोनों में से एक चीज़ हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से सिखाएंगे, तो मैं उनका नाम यहाँ डाल दूंगा और उनका बहुत सारे फेक चैनल उनके नाम पे बने हुए हैं, तो मैं दिए गए लिंक से ही आप ज्वाइन करें, नहीं तो आपको यहाँ पे नाम दिया जाएगा, उसको सर्च करके ही ज्वाइन करें। धन्यवाद। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। क्या क्या इस टाइम बॉक्सेस में और मूवी चल रही है, उसके गाने टिक पाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी। क्या कहना चाहोगे पब्लिक को? पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है। मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट। मे बी 4। मूवी अच्छी है। काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ड्रीम गर्ल के सामने चल पाएगी ड्रीम गर्ल भी? ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीम गर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा? 5। 4+। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरे देश है, मुमनन कंट्री में काम करते, इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5/3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बता है कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5/4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए, अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा इंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं,
बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा चल पाएगी। हाँ, ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी जो भी है, ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरे देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेले नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनको ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है, और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है, और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं। किसका पब्लिक को क्या रिकमेंड करोगे आप मूवी देखने? हाँ, पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था, जब ट्रेलर देखा था, कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ, रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी,
देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी पब्लिक को, कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है उसके बाद में, यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट मे बी। 4 मूवी अच्छी है, क्या कहना, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5/3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5/4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है।
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी, तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा इंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें, मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। ड्रीम गर्ल भी इसी के साथ रिलीज हो रही है, हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, क्या कहना काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। नहीं, आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है,
रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी जो भी है, ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते, इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए, वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं, नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था।
जी देखिए, शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट। मे बी 4 मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ड्रीमगर्ल के सामने चल पाएगी? ड्रीमगर्ल भी ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीमगर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा इस फिल्म को, बगदाद ईरान इराक ना बने हिंदुस्तान, ये अच्छा है। ड्रीमगर्ल मूवी रिलीज़ हो रही है, चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा? 5 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरे देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी, तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी. फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत एंड वो भाग सकती है वहाँ से. जी 5 में से 4 स्टार्स. मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है. और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है. और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है. ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है. और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है. 4 स्टार. अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म. नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी. हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी. 4 स्टार 5 स्टार. जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है. मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा. जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा सब कुछ ऐसा दिखाया गया था. जी देखिए शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है. और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए. नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं. और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें. मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को. मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने. हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई. 3.5. थैंक यू. मूवी बहुत अच्छी है. मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन. आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप. बहुत ही अच्छा. आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस. हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट. मे बी 4. मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए. नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए. आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए. ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है. 4. थैंक यू. अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है,
संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा संदेश। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितना आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ, देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए, वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए, अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, उसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था, जब ट्रेलर देखा था, कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी, देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट
आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है, और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5, थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाए, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4, थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान, ये अच्छा सेंस है। जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+। मूवी काफ़ी अच्छी थी, खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी, और अच्छा लगा हमें एज अ फीमेल, उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा इंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वाज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज़ वेरी नाइस। ड्रीम गर्ल भी इसी के साथ रिलीज हो रही है, हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं,
बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। रिलीज हो रही है जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा रिफ्यूजीज की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं, नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी, तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था,
जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी पब्लिक को, कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है उसके बाद में, यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा इस फिल्म को, बगदाद ईरान इराक ना बने हिंदुस्तान, ये अच्छा है। मूवी रिलीज हो रही है, चल पाएगी जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनको ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर
उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी, देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वाज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज़ वेरी नाइस। ड्रीम गर्ल भी इसी के साथ रिलीज हो रही है, हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है।
संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा, इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, थी उसके सामने चल पाएगी, जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितना आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी, तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है, और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है, और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयर लिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था,
जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी पब्लिक को, कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट। मे बी 4 मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ड्रीम गर्ल के सामने चल पाएगी ड्रीम गर्ल भी? ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीम गर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा? 5 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बता है कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, पब्लिक को क्या रिकमेंड करोगे आप मूवी देखने? हाँ, पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा इंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं,
बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा चल पाएगी। हाँ, ड्रीम गर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी जो भी है, ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरे देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेले नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए, वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बता है कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए, अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है, और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है, और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं। किसका पब्लिक को क्या रिकमेंड करोगे आप मूवी देखने? हाँ, पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था, जब ट्रेलर देखा था, कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ, रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी,
देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी पब्लिक को, कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है उसके बाद में, यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, क्या कहना, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। क्रिमिनल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर
उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए, शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, क्या कहना चाहोगे मूवी इसके बारे में? आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। ड्रीम गर्ल भी इसी के साथ रिलीज हो रही है, हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, क्या कहना, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है,
संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ट्रिंगल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी जो भी है, ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए, वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं, नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था,
जी देखिए, शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप। बहुत ही अच्छा, आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट। मे बी 4 मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ड्रीमगर्ल के सामने चल पाएगी? ड्रीमगर्ल भी ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीमगर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा इस फिल्म को, बगदाद ईरान इराक ना बने हिंदुस्तान, ये अच्छा है। ड्रीमगर्ल मूवी रिलीज़ हो रही है, चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा? 5 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरे देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी
मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो है धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी देखिए शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है, और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं, और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वाज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं,
बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी जो भी है, ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितना आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा, रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए, वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए, अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसे गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था, जब ट्रेलर देखा था, कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी,
देखिए शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर मैंने देखा है, तो एज एन एक्टर
उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ, पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा इंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ, रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी, देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ, बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितनी अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ, दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है,
संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे था केरला स्टोरी में थी, ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत बलूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं, नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था,
जी देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी पब्लिक को, कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5 थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वॉज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4 थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है, संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है, वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा इस फिल्म को, बगदाद ईरान इराक ना बने हिंदुस्तान, ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी भी रिलीज हो रही है, उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितनी लगा आउट ऑफ 5? 4+ मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4 मुझे मूवी अच्छी लगी। अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर
उनकी वर्सेटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है। और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है। और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग, हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5 स्टार। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, तो उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था। जी, देखिए शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है, बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है, लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। मूवी अच्छी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल टिक पाएगी, पब्लिक को कि एक बार जरूर देखे कि एक अरेबियन कंट्री में, इराक कंट्री में कितने अच्छी तरीके से एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर निकल कर आई। 3.5। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी इसके बारे में आपको मूवी से ऑब्वियसली सीख लेनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। आप उसने लाइफ इतना स्ट्रगल उसमें देखा है, उसके बाद में यू शुड नॉट गिव अप, बहुत ही अच्छा। आई थिंक पिछली मूवी भी उसकी जनहित में जा रही, दैट वाज गुड, बट ऑब्वियसली पीपल आर लाइक प्रेफरिंग ऑन OTT और एनी अदर मीडियम, बट हर वर्क इज वेरी नाइस। हाँ दैट इज़ दी प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ड्रीम गर्ल, शायद अकेली को उतना ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, बट पीपल शुड वॉच इट, मे बी 4। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सभी को देखनी चाहिए। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है, नए एक्टर्स इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मूवी देखनी चाहिए। आपको बोरिंग तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बल्कि गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, तो सभी को देखनी चाहिए। ये अभी तो कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ड्रीम गर्ल का भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी नए अवतार में आ रहे हैं, नए अंदाज में आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। 4। थैंक यू। अच्छी है, बढ़िया है, 4+ है।
संदेश अच्छा है, रोल तो लगभग सबके अच्छे हैं, बढ़िया है, संदेश अच्छा है। वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा, इस फिल्म को बगदाद, ईरान, इराक ना बने, हिंदुस्तान ये अच्छा सेंस है। ड्रीमगर्ल मूवी रिलीज हो रही है, थिएटर उसके सामने चल पाएगी? जो भी है ये चलेगी, लोग देखने आएंगे। रेटिंग कितना आउट ऑफ 5? 4 प्लस। मूवी काफ़ी अच्छी थी। क्या कुछ खास देखने को मिला? खास ये लगा रिफ्यूजीज़ की मूवी थी, जो दूसरा देश है, मुमनन कंट्री में काम करते इराक ईरान में फंस जाते हैं, वहाँ पे फिर बमबारी होती है, तो कैसे दहशत का माहौल उन लोगों में होता है, वही इस मूवी में था। मूवी काफ़ी अच्छी है, लोगों को आना चाहिए। नहीं, मूवी बोरिंग नहीं थी। नुसरत के बारे में कहना चाहोगे? नुसरत ने काफ़ी दमदार एक्टिंग करी, जैसे केरला स्टोरी में थी ऐसे ही ये मूवी है। हिट हो सकती है, 50-50 चांसेस है, पर ये मूवी आना चाहिए, आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। रेटिंग 5 में से 3। फिल्म अकेली नुसरत भरूचा के द्वारा काफ़ी अच्छा अभिनय किया गया है, मतलब मूवी में हीरो वाली हीरो है ही नहीं, हीरोइन ही हीरो है, तो मज़ा आता है। स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी बहुत बढ़िया है। आप कुछ सीन्स पर ऑफेंस हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, कि आप होता है ना सीरिया वगैरह में आतंकवादियों के द्वारा क्या होता है, कैसे सर्वाइव करती है एक लड़की और निकल पाती है उससे या नहीं निकल पाती, वो मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक अलग से मूवी देखना चाह रहे हो तो थिएटर में आओ देखो। देखिए मुश्किल है, लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट है वो अपने आप ही चला लेगी, मतलब देखनी चाहिए यार। बाकी बहुत बढ़िया, नुसरत की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और अच्छा लगा हमें, एज अ फीमेल उन्होंने मूवी को बहुत अच्छा संभाला और एक्टिंग बढ़िया की। अब देखिए वो वक्त बताता है, लोगों का पसंद बताया कि लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। 5 में से 4। मुझे मूवी अच्छी लगी, अगर बात की जाए अकेली फिल्म देख के आ रही हूँ मैं नुसरत भरूचा की, एंड इसमें जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस है, एंड इससे पहले मैंने उनका ऐसे इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो एज एन एक्टर उनकी वर्सटैलिटी देखने को मिल रही है। सॉरी, मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो दिखाया है कि एक लड़की है जो स्ट्रगल करती रहती है कहीं ना कहीं जॉब को लेके, एंड वो ईरान जाती है या इराक जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है सॉरी, तो नुसरत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। फिल्म काफ़ी इंस्पायरिंग है, और कैसे वो एस्केप करती है वो भी काफ़ी अच्छा लगा देखकर, कि कैसे वो अकेली नहीं है, उसके पास है उसकी हिम्मत, एंड वो भाग सकती है वहाँ से। जी, 5 में से 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है, नुसरत ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, और नुसरत अपने अकेले कंधों पे उस मूवी को मतलब लेके एकदम कामयाब मूवी बनाई है, और रफ़ी के रोल में जो हैं धैया, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और शायद इंडियन गवर्नमेंट का भी जो दिखाया है पोर्ट्रेल वो भी बड़ा अच्छा है। ड्रीम गर्ल वो अलग है, वो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना, वो रोमांटिक मूवी है, ये एक अलग जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तो इसका वो कंपैरिजन नहीं है, और ये मूवी अपने फॉलोअर्स हैं किसका, हाँ पब्लिक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो मिलती है ना, एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपन लोग हम लोग डर जाएंगे ऐसे ही माहौल में, उसने हिम्मत करी और वो वहाँ से निकल गई, गाड़ी चलाई, फिर उसको गोलियाँ चल रही, तो वो बड़ा एंड्योरेंस जो था ना वो बड़ा अच्छा है। 4 स्टार। अच्छी फिल्म है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है, और एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, मुझे अच्छी लगी फिल्म। नुसरत के लिए ये मेरे को पहले लग रहा था जब ट्रेलर देखा था कि शायद सीरियस रोल में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर एक्टिंग देख के आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बढ़िया लगी। हाँ रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, आपको अगर केरला स्टोरी पसंद आई थी, कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी। 4 स्टार 5। जी, मूवी काफ़ी अच्छी है, ये अकेली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी में खास हमें ये देखने को मिला, जैसे कि इराक में जब ये इंसिडेंस हुआ था, सिर्फ हम ये खबर पढ़ते थे, इसके बारे में न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब जो इसको मूवी के अंदर लेकर आए हैं, ये बहुत एक उम्दा और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को देख पाए हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे आपने वो देखी थी एयरलिफ्ट, उसके अंदर भी दिखाया गया था इराक और अलकायदा, सब कुछ ऐसा दिखाया गया था,
जी देखिए, शुरू शुरू में स्टोरी स्लो रहती है बट आफ्टर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। और जो पहले शुरू का सीन है लड़की बम से उड़ती है, वो एक काफ़ी इमोशनल सीन रहा है हमारे लिए। नुसरत एक उभरती हुई कलाकार है मेरे हिसाब से, और उनके लिए ये मूवी एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं कि शायद से वो आने वाली पिक्चर्स और अच्छी करने वाली हैं, हम इससे और लगा सकते हैं। और कैसी रियल एक्टिंग रही है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल एक्टिंग रही है इसमें। मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को।